हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर बी की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर चाइना वर्सेस भूटान के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ECS T10 के वीडियो मिलेंगे, साथ ही में यहाँ पर वन डे कवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की। इसके साथ साथ आज से लंका प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाला है, उसके मैचेस के भी वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच सुबह में 6:30 पर ब्यावमेस ओवल कुआलालंपुर मलेशिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ पर इक्वली सपोर्टेड है, लेकिन देखो रन्स यहाँ पर ज़्यादा बनते नहीं हैं, बहुत ही कम रन्स बनते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर मलेशिया ने कल परसों पहले बैटिंग करवाई थी जहाँ पर 180 किए थे, इसके अलावा ज़्यादा रन्स बनते नहीं हैं और वो भी एक वीक टीम के सामने है। कहाँ के यहाँ से आई थिंक भूटान के सामने इन्होंने 180 रन किए थे मलेशिया ने। यहाँ पर देखो चाइना तो जैसे कि मतलब खेलने आई है, पहली मैच के अंदर वो 23 रन के अंदर रोल आउट हो गई, दूसरे मैच के अंदर 25 रन के अंदर रोल आउट हो गई, तो इनसे कोई ज़्यादा एक्सेप्टेशन है नहीं हमें यहाँ पर चाइना से। तो अगर भूटान पहले बैटिंग करवाएगी तो चाइना के सामने वो रन्स कर सकती है। हालांकि देखो चाइना की भले बैटिंग लाइनअप अच्छी ना हो, लेकिन वो बॉलिंग ठीक ठाक करवा लेते हैं, तो आई थिंक भूटान को ज़्यादा स्कोर तो नहीं करवाने देंगे, फिर भी यहाँ पर 120-130 रन के आसपास ही स्कोर बनेगा अगर भूटान पहले बैटिंग करवाएगा तो भी। चाइना पहले बैटिंग करवाएगा तो फिर यहाँ पर मालूम है, यहाँ पर दोनों मैच के अंदर तो अभी तक वो 30 का आंकड़ा भी पार नहीं किए, तो शायद यहाँ पर इस मैच के लिए अगर चाइना पहले बैटिंग करवाएगी तो हो सकता है यहाँ पर 70-80 रन बना सकती है, ये भी मैक्सिमम है, मतलब इससे कम ही बनाएगी लेकिन यहाँ तक जा सकती है। एवरेज मैंने स्कोर बता दिया, बाकी वैसे तो चेजिंग करने वाली टीम को अभी तक एडवांटेज रहा इस टूर्नामेंट के अंदर। लास्ट मैच की बात करते हैं तो चाइना वैसे भी हार के आ रही है, जैसे मैं आपको बताया लास्ट मैच के अंदर वो 26 रन के अंदर रोल आउट हो गई थी, और पहली मैच के अंदर आई थिंक यहाँ से 23 या 25 आंकड़ा आई थिंक यहाँ से 25 रन में ऑल आउट हो गई थी। ओपनिंग की बात करें तो वैसे वही ग्लोलोई के साथ यहाँ पर लियांग वांग ओपनिंग करवा रहे हैं। देखो यहाँ पर वैसे ग्लोलोई से कोई ज़्यादा एक्सेप्टेशन है नहीं विकेट कीपिंग सेक्शन से, देखेंगे अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई करेगा, लेकिन इनसे मुझे थोड़ी बहुत एक्सेप्टेशन है यहाँ पर। लियांग वांग की बात करूँ तो यहाँ पर 10 मैच के अंदर करीबन 31 के एवरेज से 248 रन वनडे के अंदर किए हुए उन्होंने, अभी तक दोनों मैच का ना कुछ खास किया नहीं, लेकिन इस मैच के लिए मुझे कम से कम यहाँ पर 15-20 रन की उम्मीद है यहाँ पर लियांग वांग से, तो आई थिंक मैं इनको विकेट कीपिंग सेक्शन से लेके जा सकता हूँ। इनके अलावा ऐसे जोआंग जेलिन की बात करते हैं जो कि 6 मैच के अंदर 24 रन है, बैटिंग से तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे यहाँ पर। इसके अलावा ऐसे जी कुनकुन रहेंगी, ये अभी तक दोनों मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई, लेकिन आई थिंक यहाँ पर एक दो ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक करवाई नहीं, अभी के लिए लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, जीएल वगैरह में ट्राई करेगा। बाकी यहाँ से यिन चेन हाओ की बात करूँ तो ये भी यहाँ पर ठीक ठाक है, हालांकि ओवर्स करवाने चाहिए थे। देखो ये इन दोनों में अगर यहाँ पर 20 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करती है मतलब चाइना, क्योंकि अभी इन्होंने दोनों मैच के अंदर पहले बल्लेबाजी ही की है, ये टॉस जीते तो भी पहले बल्लेबाजी करते हैं, सामने वाली टॉस जीतती है तो भी इनको पहले बल्लेबाजी ही देती है, तो इसके लिए इन दोनों प्लेयर को अभी तक ओवर्स करवाने का चांसेस मिला नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर चाइनीज पहले बॉलिंग करवाएगी तो उस कंडीशन में चाइना 20 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करवाएगी और उस कंडीशन में ये दोनों ही आपको एक दो ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, तो आई थिंक इन दोनों में से किसी एक को जरूर ट्राई करेगा। मेरा सजेशन यहाँ पर जिन कुन कुन के ऊपर, आई थिंक यहाँ पर यिन चेन हाओ को हम लोग लेके जाएंगे इनको, अगर यहाँ पर चाइना पहले गेंदबाजी करती है तो यिन चेन हाओ को हम लोग लेके जाएंगे। बाकी टियान सेंगक्वान वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है, काफ़ी अच्छा गेंदबाज है, शुरुआत में आता है यहाँ पर दो ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, वैसे ओवरऑल 26 मैच के अंदर 27 विकेट है, पहली मैच के अंदर भी यहाँ पर मलेशिया के सामने इन्होंने विकेट निकाली थी, तो अच्छा प्लेयर है यहाँ पर लेके जाएंगे। इनके अलावा वैसे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर यौ चेन, जो कि पहली मैच के अंदर ओवर्स करवाई नहीं थी, दूसरे मैच के अंदर एक ओवर्स की गेंदबाजी करवाई जहाँ पर एक ही गेंद डाली उन्होंने, सामने वाली टीम को वैसे भी 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए, वो आसानी से चौका मार के जीत गए, तो अभी के लिए इनको भी लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। हालांकि वांग क्वाई की बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टीम के कप्तान है और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी है भाई इनकी, मैं सही में सराहने लायक गेंदबाजी है, और साथ ही में अभी तक देखो दोनों मैच के अंदर विकेट भी निकाले उन्होंने, मलेशिया के सामने भी और लास्ट मैच जो इनका था यहाँ पर
आई थिंक म्यांमार के सामने था, वहाँ पर भी इन्होंने विकेट निकाला था। तो यहाँ पर व्यान को ही वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी जाओ तियानले की बात करते हैं तो ये ओके ओके रहेंगे। ओवरऑल 26 मैच के अंदर 14 विकेट है, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक है यहाँ पर। यहाँ पर इनको लेके जाएंगे हम लोग, इनको मार्क क्वेंचेंग, अच्छा प्लेयर है। यहाँ पर 3-4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करेगा, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी। पहले मैच के अंदर 5 गेंद डाली थी, लेकिन दूसरे मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई। इनके अलावा से ल्यू सिलिन भी यहाँ पर 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड बनेंगे। इनके अलावा से स्टार्टिंग में यहाँ पर टाई शेंगक्वान के साथ वांग कोई आए थे। बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए बात करें हम लोग ऐसे भूटान की। भूटान ने 2 मैच खेली, 1 मैच जीती, 1 मैच हारी। 1 मैच उन्होंने हारी वो मलेशिया के सामने हारी, और जो जीती वो इन्होंने म्यांमार के सामने जीती। ओपनिंग में ऐसे तेंजिन रबगे के साथ यहाँ पर सुप्रीत प्रधान ने ओपनिंग करवाया। रबगे वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस मैच के लिए, और इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। बाकी सुप्रीत प्रधान हमारे कप्तान रहने वाले हैं। देखो इनको पहले मैच के अंदर हमने कप्तान किया था जहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। दूसरे मैच के अंदर भी मैंने पूरा सजेशन दिया था, लेकिन हमने एज अ प्लेयर ही लिया था जहाँ पर इन्होंने तगड़ा परफॉर्मेंस किया। तो हम लोग कैप्टन करेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन चलने चाहिए क्योंकि ये गेंदबाजी से भी स्टार्टिंग करते हैं, प्लस यहाँ पर बैटिंग से भी स्टार्टिंग करते हैं। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का। इनके अलावा ऐसे नमगे थिंगले हमारे लिए वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट पिक। तो देखो ये जो तीनों प्लेयर हैं, इन तीनों में से ही हमें इस मैच के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है। इनके अलावा ऐसे सैराब, मतलब इनकी बात करते हैं, सैराब की 16 मैच के करीबन 25 की वजह से 219 रन है, करीबन 43 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट्स भी निकाले। अभी तक जरूर पड़ी रहें दोनों मैच के अंदर ओवर्स करवाने की, और इस मैच के लिए तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तो थोड़े से रिस्की टाइप के। चाहो तो इनको लेके जा सकते, चाहो तो ड्रॉप कर सकते, लेकिन आई थिंक इनको लेके जाएगा क्योंकि ये टॉप में खेल रहा है। अगर यहाँ पर एक आधी विकेट खींच सकती है, क्योंकि दो जो मैंने आपको बताया ना गेंदबाज यहाँ पर चाइना के, ये विकेट तो निकालते हैं भाई, बॉलिंग अच्छी है यहाँ पर, तो एक आधी विकेट तो गिरेगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर सैराब आपको एक अच्छा खासा स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं, तो इनको आप लोग लेके जाएंगे। गकुल गले ओके ओके रहेंगे, जीएल में ट्राई करोगे। लास्ट मैच के अंदर एक ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, हालांकि ये पूरी ओवर्स करवानी चाहिए थी। ओवरऑल 10 मैच के अंदर 14 विकेट है इनकी, तो डिफरेंस वाले में ट्राई करेगा। किशन गले रिस्की रहेंगे, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है, हालांकि दोनों मैच के अंदर परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, भरोसा कर सकते हैं। टेंजिन वांगचुक को जरूर लेके जाना है, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, और वैसे भी ये विकेट टेकर गेंदबाज है, हर एक मैच के अंदर 1-2 विकेट निकाल के देंगे आपको। सोनम चोपेल ओके ओके रहेंगे, सोनम येसे को ट्राई कर सकते हैं, ये 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करवा लेते हैं। वैसे ओवरऑल 8 मैच के अंदर 11 विकेट हैं, इनको जरूर लेके जाना है यहाँ पर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है। इनके अलावा ऐसे तशी फुनस्टो जो कि स्ट्राइकर गेंदबाज है, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और कमा दोर्जी इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। तो इन तीनों को लेके जाएंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पर टीम फुनस्टो के साथ एस प्रधान, डेथ होस्ट में आगे के दोर्जी और तेंजिन वांगचुक डेथ में डालेंगे, और इनके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से एल वांग को हमने लिया है। आप लोग चाहो तो ऐसे गुली को ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक इनके साथ जा रही है। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर सौरभ कोल मैंने लिया है, इनके साथ यहाँ पर टी रबगे हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी तो अदर ऑप्शन सारे ठीक ठाक हैं, चाइना की बैटिंग के ऊपर मुझे ज़्यादा भरोसा है नहीं, तो इसके लिए आप लोग चाहो तो रिस्क ले सकते हो, मैं यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर एन थिनले, टी सेंकवान है, एस प्रधान और टी फुनस्टो हमारी टीम के अंदर रहेंगे। और बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर वान क्वीं, इनके साथ यहाँ पर के दोर्जी, एम क्वेंचेंग को लिया है। ये हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड है, बड़ा ट्रम्प कार्ड है हमारे लिए, लेकिन चाइना अगर पहले गेंदबाजी करवाती है तभी, क्योंकि भितान अगर पहले बैटिंग करवाएगी तो उस कंडीशन में यहाँ पर एम क्वेंचेंग पक्का विकेट निकालेंगे, लिख के लेना, 1-2 विकेट पक्का निकालेंगे, ध्यान में रखेगा इसको। इनके अलावा ऐसे वांगचुक हमारी टीम के अंदर रहेंगे। इनके अलावा ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर येसे को ट्राई कर सकते हैं, अब लोग यहाँ पर सोनम येसे को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। टीम की बात करते हैं यहाँ पर, तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी हमारी के कप्तान हमारे रहने वाले यहाँ पर सुप्रिय प्रधान, वाइस कैप्टन रहेंगे यहाँ पर थिनले। आप लोग इनको रोटेट कर सकते हो क्योंकि ये सबके कप्तान रहने वाले, एन थिनले की बात करो तो सबके कप्तान यही रहने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ। आप लोग सेफ जाना चाहो तो इनको ऐसे कर देना। बाकी एक और ऑप्शन है और वो ऐसे टी रब की है, जो कि पहले मैच के अंदर ओवर्स करवाई थी, दूसरे मैच के अंदर ओवर्स करवाई नहीं, और यहाँ पर भी कम चांसेस है ओवर्स करवाने का। इसके अलावा के दोर्जी को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, तो ये कुछ ऑप्शन है जिनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बाकी तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहेगा इसमें कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं, तो फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और साथ ही में YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी से अपनी खुद की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।